Hello everyone, welcome back to e-learning. Today we are going to do class 6 grade fun with grammar chapter 4 explanation of let's learn. In my previous video I explained you the rules for making plurals from singular noun. Also I told you in my previous video that only the countable nouns have their plural form. Now, some important points are given to you here in Let's Learn. If you are unable to understand, you will have to watch full video. So, listen carefully now. I am going to explain for you. You can say that first point is given to you this side. Some words have the same singular and plural forms. It is most important, children. You will have to learn the words here. Three words are given to you. Sheep, deer and fish. ये जो तीनों words हैं हमारे sheep, deer और fish, इसमें singular और plural format same रहता है. इसमें कोई भी किसी भी तरीके का rule नहीं follow होता है. Second, you can also see, this is second number. Some words have only a plural form. इसमें बताया गया कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें केवल प्लूरल फॉर्म होता है, इनका सिंगुलर फॉर्मेट नहीं होता. जैसे क्लोथ्स, न्यूज़, सीरीज, दीज वर्ड्स आर हैविंग ओनली प्लूरल फॉर्म्स. नाउ वी आर गोइंग फॉर द थर्ड नंबर. इन थर्ड नंबर यू आर टोल्ड अबाउट नाउन्स बोरोड फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस डू नॉट फॉलो एनी रूल्स फॉर फॉर्मिंग प्लूरल. अगर कोई दूसरी लैंग्वेज से हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, कुछ नाउंस आते हैं, तो वो प्लूरल बनाने के लिए जो रूल हमारे हैं वो फॉलो नहीं करते. कई बार आप देखते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे प्लूरल वर्ड्स आते हैं जो किसी भी रूल को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं. वो क्या होता है कि जो अदर लैंग्वेजेस के वर्ड हम यूज़ करते हैं, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ. यहाँ पर जैसे लिखा है रेडियस, तो ये रेडियस जो है ये बेसिकली हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड नहीं है, ब्रिटिश वर्ड नहीं है. तो इसीलिए इसका जब हम प्लूरल बनाते हैं तो रेडियस का हो जाता है रेडियाई. ये डेटम आप देख सकते हैं, ये जो है ये भी डिफरेंट लैंग्वेज का वर्ड है. इसीलिए इसका प्लूरल जब हम बनाते हैं तो डेटा हो जाता है, फोकस का हो जाता है फोकी. इसी तरीके से कुछ और वर्ड्स होते हैं. नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, नेक्स्ट पॉइंट. सम नाउन्स आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. कभी कभी ऐसा होता है कि जो कुछ नाउन्स होते हैं वो दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होते हैं. सच नाउन्स आर कॉल्ड कंपाउंड नाउन्स. ऐसे नाउन्स को हम कंपाउंड नाउन्स कहते हैं. एग्जाम्पल, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फॉरगेट मी नॉट, एंड आगे दिया गया है लेफ्टिनेंट जनरल, लेटर हेड, बैंक नोट. तो इस तरीके के कभी कभी हमारे पास कंपाउंड नाउन आ जाते हैं. अब इसमें पॉइंट बना करके आपको नेक्स्ट समझाया गया है. मेरे हिसाब से ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये रिलेटेड पॉइंट्स हैं दोनों. इसी में आगे बताया गया, इफ़ द कंपाउंड नाउन इज़ हाइफनेटेड और हैज़ ए स्पेस बिटवीन वर्ड्स, देन द प्रिंसिपल वर्ड इज द कंपाउंड नाउन विल टेक द प्लूरल फॉर्म. बताया गया कि अगर उसमें हाइफन का यूज़ होता है, हाइफन का मतलब ये जो आप जैसे आपने मदर इन लॉ में देखा होगा ये बीच में डैश लगा हुआ है, तो ये डैश जो है इसको हाइफन बुलाते हैं. हाइफनेटेड फॉर्म में जब होते हैं हमारे कंपाउंड नाउन्स तो हम क्या करते हैं, जो हमारा मेन वर्ड होता है उसको प्लूरल कर देते हैं. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ था मदर इन लॉ. इन मदर इन लॉ इट वॉज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नाउन्स, इट वॉज़ अ कंपाउंड नाउन. So we have changed only the form of the first word, mother. Only S is added to the mother and it will be mothers-in-law. And it is the plural form of mother-in-law. As it is, you can see sisters-in-law, forget-me-nots, lieutenant generals. So main word, what was the main word? It was the main word. It was the main word. It was the main word. Only we will have to focus for the main word. Next, you can see our next point is, if the compound noun is a single word,
द प्लूरल इज फॉर्म्ड यूजिंग द नॉर्मल रूल्स फॉर मेकिंग प्लूरल्स। इसमें बताया गया कि अगर आपका जो कंपाउंड नाउन है वो एक सिंगल वर्ड है, जैसे आप देख सकते हैं लेटर हेड्स। अब लेटर हेड्स एक सिंगल वर्ड हो गया क्योंकि इसमें इसके बीच में हाइफन नहीं आया है, तो जब इसका हम प्लूरल बनाते हैं तो ये हमारे जो बाकी के रूल्स हैं, नॉर्मल रूल्स हैं, ये उसको फॉलो करते हैं। जैसे लेटर हेड्स हो गया, बैंक नोट्स हो गया, इस तरीके से। सो इट वॉज़ द फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर 4। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू एक्सरसाइज ए ऑफ चैप्टर 4। ओके।